Hey everyone, App Study के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्रों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले हमने पिछली वाली क्लासों में हमने बात किए थे जो लोक वाद्य यंत्र, तंत्र वाद्य यंत्रों के बारे में, जो तार वाले वाद्य यंत्र उनके बारे में, और सेकंड बात किया था हमने सुषिर वाद्य यंत्र जो मुंह के फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, और थर्ड होने वाला था घन वाद्य यंत्र, एक तरीके से आघात करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में हमने पिछली क्लास में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे जो ताल वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र है, उनके बारे में इस क्लास में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से आपको क्लास को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में। पहला अवनद वाद्य यंत्र जो है उनमें मांदल है, ठीक है, मांदल वाद्य यंत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। जो मांदल वाद्य, जितने भी अवनद वाद्य मतलब ताल वाद्य मतलब, अगर कोई क्वेश्चन अगर उठा है तो उसके बारे में भी इस क्लास में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। मांदल वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं तो आप जिस प्रकार इस फोटो में देख पा रहे हो, मांदल वाद्य यंत्र का मतलब है एक तरीके से मांदल का मैं से हो गया मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ, यानी कि जो ये पावला पार्ट है आप यहां पे देख पा रहे हो, ये मिट्टी का बना हुआ पार्ट है, ठीक है, इससे मिट्टी का बना हुआ पार्ट है। और बाकी के जो बात करते हैं इसके अलावा इस पे क्या छटा हुआ था, जो भी ये पार्ट है यहां पे बकरे की और हिरण की खाल छड़ी हुई थी, हिरण, ठीक है, किसकी, बकरे और हिरण की खाल छड़ी हुई होती है इस पे। अब बात करते कहां बनते हैं, जो मांदल वाद्य यंत्र कहा, मोलेला गांव है, ध्यान रखिएगा, राजसमंद में मोलेला गांव में जो मांदल वाद्य यंत्र का निर्माण होता है बनते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मांदल वाद्य यंत्र कब बजाए जाते हैं। मांदल वाद्य यंत्र जो एक तरीके से गौरी नृत्य होता है तब बजाए जाते हैं। गौरी नृत्य के बारे में अब अगर आपको देखना है तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है गौरी नृत्य कौन कौन सी जनजातियां करती है, कहां करती है, इनके बारे में जो गौरी वाद्य नृत्य है उसमें बजाया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाद्य यंत्र मृदंग या पखवाज वाद्य यंत्र के बारे में। मृदंग या पखवाज वाद्य यंत्र कौन सा है, जो वाद्य यंत्र किससे बना हुआ है, ये ताल वाद्य यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, ध्यान रखिएगा, मृदंग और पखवाज वाद्य यंत्र। आगे बात कर लेते हैं कौन करता है इसका, ये लकड़ी का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये जो बक्सा बना हुआ है जो बीच का हिस्सा होता है वो लकड़ी का बना हुआ है, और साइड में किसकी, बकरे की जो खाल लगी हुई थी, बकरा होता है उसकी खाल लगी हुई थी साइडों में, ठीक है, यहां पे जो साइड में खाल होती है यहां पे जिसपे मारकर बजाया जाता है, मार के जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो वहां पे बकरे की खाल लगी होती है, ठीक है। आगे बात करें कहां कहां किस किस की, जो लकड़ी की बात करें किसकी लकड़ी से बनता है जत्र, लकड़ी की बात करें तो किससे बनता है, बीजा, ध्यान रखिए किससे बनता है, बीजा, ध्यान रखिए किससे बनता है, बीजा और सुपारी और बड़ की लकड़ियां होती हैं उनसे ये वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है, जो बीच का हिस्सा खोखला हिस्सा होता है बना हुआ था है उसका निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं डमरू, डमरू वाद्य यंत्र के बारे में अगर बात करें तो डमरू एक प्रकार से, अब यहां पे जो देख पा रहे हो, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ होता है डमरू, और इसके अलावा बात करते हैं शिवजी का वाद्य यंत्र है, कहां किसका है, शिवजी का ये वाद्य यंत्र है, शिवजी के हाथों में आप देख पाते हो, शिवजी के हाथों में जो डमरू होता है वो शिवजी का वाद्य यंत्र, वो ही डमरू एक तरीके से उसको हाथ से बजाया जाता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के जो बने हुए थे एक तरीके से रस्सी से बंधे हुए कुछ होते वो लग कर एक तरीके से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे कौन बजाता है, मदारी होता है, ठीक है, जो बंदर होता है उसे नचाता है, मदारी के हाथों में भी आपको ये डमरू देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसे
डुगडुगी भी बोलते हैं, डुगडुगी का छोटा रूप भी इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा डुगडुगी का छोटा रूप भी इसे बोलते हैं, ठीक है डुगडुगी का छोटा रूप भी इसे बोलते हैं। ठीक है आगे बात कर लेते हैं जो वाद्य यंत्र के बारे में, डुगडुगी का, ठीक है ये आपका क्लियर हो गया। मदारी से बजाता है, इसके अलावा शिवजी का भी ये वाद्य यंत्र शिवजी के हाथों में भी ये मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाद्य डेरू, डेरू क्या है एक तरीके से डमरू का ही रूप है, ध्यान रखिएगा जिस प्रकार का डमरू होता है वैसा ही रूप होता है एक तरीके से डमरू का बड़ा रूप है। ठीक है साइज वैसी ही होती है, मतलब एक तरीके से साइज थोड़ी बड़ी होती है लेकिन उसकी आकृति डमरू के समान ही होती है। ठीक है आगे बात कर लेते हैं इसे कौन बजाते हैं, गोगा जी के जो भक्त है ठीक है इसे बजाते हैं, कौन बजाते हैं गोगा जी के भक्त इसे बजाते हैं। ठीक है आगे बात कर लेते हैं ढोल, ढोल क्या होता है एक तरीके से लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है, यहां पे ये देख पा रहे हो लकड़ी और लोहे का ये बना हुआ होता है जो घेरा बना होता है एक तरीके से चमड़े से मंडकर बनाया जाता है, ज्यादातर ये चमड़ों का ही होता है एक तरीके से जितने भी वाद्य यंत्र उनमें चमड़ों का ही उपयोग किया जाता है, जैसे त्वचा का बकरी भेड़ ठीक हिरन जो गाय है ठीक से गाय की बहुत कम उपयोग लिया जाता है, भैंस का ठीक है इनका उपयोग लिया जाता है। ठीक है एक तरीके चमड़ा मानते हो मृत्यु के बाद में जब किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो चमड़ा निकाल लिया जाता है तो चमड़े के काफी उपयोग हैं। ठीक है तो वो बाद में अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो ताल वाद्य यंत्र है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ढोल किससे बनता है, लकड़ी और लोहे का जो बीच का हिस्सा होता है लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है। तो आगे बात कर लेते हैं ढोल को चमड़े से मंडकर बनाया जाता है, इससे ढोल को क्या है गले में डालकर बजाया जाता है, जो ढोल होता है ढोल उसे गले में एक रस्सी में बांध के कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से लकड़ी से या हाथों से मारकर बजाया जाता है, डंडे से मारा जाता है या हाथ से मार के बजाया जाता है एक तरीके से। ये मांगलिक अवसर होता है ठीक है, कब जब मांगलिक अवसर होता है कुछ भी तब भी ये बजाया जाता है। ठीक है आगे बात कर लेते हैं ढोलक, ढोलक एक तरीके से ढोल का ही रूप है। ठीक है जो ढोल होता है उसका ही रूप है एक तरीके से, किससे बनता है लकड़ी का बनता है, किससे बनता है लकड़ी का बनता है सांगवान की बीजा सुपारी जो सीसम नीम जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ी का बनता है। आगे बात कर लेते हैं अपन कहां क्या उपयोग लेते हैं, इसको भी एक तरीके से चमड़े से मंडकर बनाया जाता है, जो तने का खोखला हिस्सा एक तरीके से लकड़ी का तो तने का खोखला हिस्सा तो वो से बनेगा, जो ढोल ढोलक जितने भी हैं उनका वो खोखले होते हैं अंदर से। ठीक है ये तो आपको सबको पता है। आगे बात कर लेते हैं इसको गले में डाल के बजाया जाता है, सेम इसका भी ढोलक का वही है गले में या रख के बजाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं नंगाड़ा, नंगाड़ा एक तरीके से कुछ आकृति होती है एक तरीके से गोलाकार सी, ठीक है उस पे एक तरीके चमड़े का मंड दिया जाता है और दो लकड़ी के डंडे होते हैं उनसे कुछ इस प्रकार ये डंडे होते हैं कुछ इस प्रकार इसे बजाया जाता है। अब बात करते हैं नंगाड़े के बारे में, नंगाड़ा किस चमड़े से मंडकर बनाया जाता है, जैसे भी आपको पता है जो विवाह के अवसर पे पहले आज भी बजाया जाता है, विवाह के अवसर पे नंगाड़े बजाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा नंगाड़े जो छोटे छोटे उनको बजाया जाता है मांगलिक अवसर पर। ठीक है आगे बात कर लेते हैं जो शहनाई के साथ बजता है, ध्यान रखिएगा कुछ शहनाई कुछ इस प्रकार होती है, आपको पता है कुछ 8-7 छेद होते हैं उससे साथ जो नंगाड़े बजते हैं विवाहिक अवसर पे जो नंगाड़े बजाए जाते हैं। ठीक है आगे बात कर लेते हैं अपन क्या होने वाला है इसका, किसने क्या नंगाड़ा वादक जो प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक कौन है, इसका प्रसिद्ध नंगाड़े वादक की बात करें तो इसका प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक है रामकिशन। ठीक है रामकिशन इसके प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक है रामकिशन सोलंकी।
ठीक है, कौन है प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक, कौन है राम किशन सोलंकी, इसके प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं निशान। निशान क्या है, एक तरीके से नंगाड़े का ही बड़ा रूप है दोस्तों। क्या है, नंगाड़े का ही बड़ा रूप है निशान। ठीक है, यहां पे निशान के बारे में आपको, नंगाड़े का ही बड़ा रूप है। आगे बात कर लेते हैं नौबत। नौबत क्या है, नौबत एक तरीके से धातुओं का बना हुआ था है, चार फिट गहरा, एक तरीके से कुछ यहां पे देख पा रहे हो, चार फिट गहरा अर्ध गोलाकार कुंडी होती है, अर्ध गोलाकार कुंडी होती है और इसके भैंसे का जो होता है चमड़ा उसे मदकर बनाया जाता है, जो भैंसा होता है उसके चमड़े से मदकर बनाया जाता है। पहले क्या होता है, राजमहलों का जो दरवाजा होता था वहां रखकर इनको बजाया जाता था नौबत को। ठीक है, और अब वर्तमान में मंदिरों में भी ये नौबत बजाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, टामक या दमाम। टामक या दमाम क्या है, एक तरीके से राजस्थान का सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा लोक वाद्य यंत्र, ठीक है, सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र है। कुछ आप देख लिए, कड़ाई के आकार सा होता है और जो आकार का, जो कड़ाई के आकार सा नंगाड़ा हो तरीके से, तो उनको भी रखकर बजाया जाता है किसी लकड़ी के माध्यम से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भैंसे की खाल को मंद कर ये बजाया जाता है, एक तरीके से छुरी ये भैंसे की खाल से मंदा जाता है। ठीक है, भैंसे की खाल का इसमें उपयोग लिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं चंग। चंग क्या है, गोल लकड़ी के घेरे सा बना हुआ होता है और उसपे बकरे की खाल लगी होती है। ठीक है, कुछ होली के अवसर पर यह बजाया, धुलंडी होती है होली के अवसर पर यह बजाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं खजरा। एक तरीके से मान के लीजिए चंग का ही छोटा रूप है। ठीक है, जो चंग होता है उससे कुछ छोटा होता है और इसका घेरा किससे बना, लकड़ी होती है, आम की लकड़ी का इसका घेरा बनता है, आम की लकड़ी होती है उसका घेरा बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं घेरा। घेरा क्या है, एक तरीके से, ठीक है, घेरा क्या है, एक तरीके से चंग का ही बड़ा रूप होता है। ठीक है, और अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, यहां पे एज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, यहां पे कुछ, यहां पे फोटो अवेलेबल नहीं हुई इंटरनेट पे, तो कुछ चंग के तरीके का, चंग के जैसा ही होता है लेकिन कुछ बड़ा होता है, एक तरीके से चंग इतना बड़ा होता है तो वो तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया आपका। ठीक है, चंग से बड़ा होता है, अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, आगे बात करें मार्ड। मार्ड क्या है, एक तरीके से मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा बर्तन होता है, उसका मुंह क्या है, चौड़ा होता है। ठीक है, मुंह क्या है, उसका चौड़ा होता है, उस पे मुंह पे चमड़ा चढ़ाकर बाबूजी के जो पावड़े होते हैं, ठीक है, वो उसमें प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार का ये लकड़ी का बड़ा घड़ा होता है, जो सूटी मिट्टी का घड़ा होता है उस पे चमड़ा चढ़ाया जाता है, कुछ इस प्रकार हाथ से मार के उसे बजाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहां कहां क्या क्या आए हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आया था मादल को लेकर। ठीक है, मादल को लेकर क्वेश्चन पुटअप हुआ था जो जेआई वेल्डर की एग्जाम हुई थी। ठीक है, ये देखिए मांदल है, उसको लेकर जो आया था क्वेश्चन, वाद्य यंत्र को सुमेलित करना था, वाद्य जैसे अवर्णद वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अवर्णद यहां से मांदल आया था ऑप्शन। ये कहां पूछा गया था, जेआई वेल्डर की जो एग्जाम हुई थी वहां ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा आया, तेरह ताली यंत्र नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता
है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तेरह ताली यंत्र जो वाद्य जो तेरह ताली नृत्य होता है उसमें किसका उपयोग लिया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। ये कहां आया था, टैक्स असिस्टेंट की एग्जाम थी 2018 में, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन उठा था, एक क्वेश्चन आया था आपका ढोलक को लेकर 2019 के एग्जाम में, औरणद वाद्य यंत्र कौन सा है या होली के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ढोलक भी बजता है मांगलिक अवसर पर और यहां पे आपका चंग भी बजता है, चंग वाद्य यंत्र यहां पे ऑप्शन में नहीं आया था तो ढोलक वहां पे ऑप्शन में आया था, ढोलक उसका राइट आंसर था। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार से इस क्लास को लेकर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगर आपको वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।